Love you. इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। दुल्हन के पांव धोने से घर में बरकत होती है। दुल्हन के पांव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये 22 से बरकतें बेहतर है। यानी इनके नजदीक मसला यह है कि कोई बुजुर्ग कोई काम कर दे, कोई आलिम काम कर दे, कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं, ना देवबंद का ना बरेलवियों का। ये बात चीजें बुजुर्गों से मनकूल होती है, बुजुर्गों के तो अब जो बुजुर्गों को मानता है ना वो बरकत हासिल करता है। Wake up to reality। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगर चे इनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों तब भी वो उन्हीं की तकलीफ किए जाएंगे। इंग्लिश च जेड़ा ध्यान कर सी जाया यकीना ईमान कर सी। ईमान एवे गवावा ता मैं, ईमान एवे गवावा ता मैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कबूतरान हरम के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? कबूतरों ये अच्छा शायद। कबूतरान हरम की ज़ियारत की है कि यहाँ मदीना शरीफ के साथ इश्क और मोहब्बत का लेवल ये है कि लोग कहते हैं कि जी मुझे मदीने की गलियों से प्यार, मदीने के फूलों से, कांटों से, कुत्तों से, सवाए मस्जिद नबी के इमाम के, क्योंकि वो गुस्ताख है। आओ ना दाढ़ थले, कोई बरेलवी कभी नात में ये लिख के दे के मुझे इश्क है मस्जिद नबी के इमाम से तो कहते हैं नहीं नजदी गुस्ताख। अच्छा मस्जिद नबी के पत्थरों से प्यार, मट्टी से प्यार, तो मुसलमान की हुरमत तो उससे ज्यादा है। जामिया तिर्मिजी में और सुन्नी इब्ने माजा में हदीस मौजूद है कि एक मुसलमान की हुरमत अल्लाह के नजदीक काबे से भी बढ़ गया है ना, तो मुसलमान के साथ क्यों नहीं प्यार? इसलिए कि वो उसके फिरके का नहीं है, वो दूसरे फिरके का। ये नफरतें हैं और इन नफरतों को डिस्कस करने का मकसद ये नहीं होता कि हम कहते हैं एक दूसरे को मारें। हम ये कहते हैं पहचाने इन उलमा को जिन्होंने आपको इन फिरकों में डिवाइड करके आपस में लड़वाया हुआ है। कि आज हमें लोग पर्चियां लिख के भेज रहे होते हैं जी क्या शिया का जनाजा पढ़ लें, बरेलवी पर्ची लिखता है कि क्या नजदी जो गुस्ताखे रसूल हैं इनका जनाजा पढ़ लें। जाहिर है जी उनको तो यही कुछ पढ़ाया गया ना एक दूसरे के बारे में। और यही वो पॉइंट था कि दुनिया का माना हुआ साइंसदान आइंस्टाइन इस पॉइंट को देखकर न सिर्फ मुसलमान हुआ फिर शिया हो गया। अगर उसे बुनियाद बनाते हैं बुरा भला कहना, यानी शराबी था, फासिक था, फाजिर था, लौंडे बाज़ था, हाय हाय हाय, गौसे पाक का हाल ये था कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। हैकर, हैकर, गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है। मुमकिन है आप इस पे इतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजूद का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाए पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखेंगे। और मिलाद के नाम से किसी खुराफात से अपने आप को महफूज रखिएगा। ये धूम धड़के, ये ढोल बाजे और ये
रस्से बांध करके रास्तों को बुला करके लोगों को अजियत पहुंचाना, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। आप हर एक स्टॉप स्टॉप जरा ज़ूम कर उस पर। क्या बोलूं मैं इस पे? फुकाह ने लिखा है दस्तरखान पर अगर खाना आए और अगर रोटी आ जाए तो सालन का इंतजार करना मकरूह है, और ये मसला बहुत कम लोग जानते हैं। दस्तरखान पे रोटी आते ही उसको खाना शुरू कर देना चाहिए, सालन का इंतजार में रोटी को इंतजार नहीं कराना चाहिए। इससे ज्यादा क्रंची चीज तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। ये है आपकी कुछ नहीं चपाती कड़ी रोटी। तो अब ये कि पहले रोटी अगर आ गई, सालन निकल रहा है कुकर से, तो ऐसे में रोटी को खाना शुरू कर दें, भले ही एक लुकमा सही उसको इंतजार न कराएं, क्योंकि सालन के चक्कर में रोटी को इंतजार कराना ही रोटी की बेदबी है। और भूख को मिटाने के लिए सालन नहीं चाहिए बल्कि रोटी चाहिए। तो जब आपको भूख लगी और आपके पास रोटी आ गई तो आप उसे खा सकते हैं। अब जो बचा ये सालन, वो होता है सिर्फ जायके के लिए, क्योंकि जाहिर है कि भूख मिटाने के लिए तो रोटी है, सालन जायके के लिए। तो जायके के लिए अपनी जरूरत की चीज का इंतजार नहीं करा सकते, तो इसलिए रोटी को खाना चाहिए दस्तरखान पे आने के बाद, और सालन का इंतजार करना, रोटी को इंतजार करवाना, ये चीजें मकरूह है, लोग इससे वाकिफ नहीं है। माशाल्लाह मरहबा। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हजरत फारूक आजम एक दिन बैठे थे तो वो सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की पुश्ते मुबारक पर सूरज की तपिश महसूस हुई, आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा, सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। मेरे आका किसी और मजलिस में जलवागर थे तो कहने लगे सिहाबा या रसूल, लगता है कयामत कायम हो चुकी है, कयामत आ चुकी है, जब सूरज बेनूर हो गया तो बचता क्या है। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह कयामत नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है, कयामत भी नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है, हुआ क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम हजरत फारूक आजम को जलाना गया है, और उस जलाले फारूक आजम को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हल क्या है? महबूब पूछ रहे। कौन पूछ रहे? महबूब पूछ रहे हल क्या? हुजूर हल तो एक ही है, जिनके जलाल से गई थी उन्हीं की मोहब्बत से वापस आएगी। क्या बात कर रहे रे बाबा? सरकार ने मौला फारूक आजम को बुलाया और बुलाकर फिर सुलो कराई सूरज से। लानत अल्लाह अलल काज़िबी, झूठों पे अल्लाह की लानत। खुला रखामी पजा।